दोस्तों, भारत में बहुत सारे ऐसे साधु संत हुए हैं जो कि अपने चमत्कारों के कारण चर्चाओं में रहे हैं, जिसमें से नीम करोली बाबा, त्रैलंग स्वामी, हैड़ा खान बाबा, महावतार बाबा जी के साथ ही साथ देवराहा बाबा व अन्य भी बहुत सारे प्रमुख हैं। तो आज के वीडियो में हम देवराहा बाबा जी से जुड़ी हुई बहुत सारी चमत्कारिक घटनाओं के विषय में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक होने वाला है। अगर आज आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक जरूर से करना। तो दोस्तों, भारत की पवित्र धरती पर अनेक दिव्य संतों और महापुरुषों ने जन्म लिया है, जिनके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। ऐसे ही एक दिव्य संत हैं जिनका नाम था देवराहा बाबा जी। इन महान संत को आप योगी, तपस्वी, महात्मा, दिव्य आत्मा या फिर बाबा जी के नाम से अभिव्यक्त कर सकते हैं। देवराहा बाबा जी ने अपनी उम्र, तपस्या और सिद्धियों के बारे में कभी भी कोई दावा नहीं किया। उनका जीवन सहज, सरल और साधारण सा रहा। देवराहा बाबा जी ने भक्तों से बिना कुछ भी पूछे उनके मन की सारी बातें जान ली थी, और इसे आप चमत्कार कहेंगे या फिर उनकी साधना शक्ति। माना जाता है कि बाबा जी बहुत ही ज्ञानी थे और उनसे मिलने के लिए देश दुनिया के बड़े बड़े लोग आया करते थे। जब भी कोई व्यक्ति बाबा जी से उनकी उम्र के बारे में पूछता तो वो मुस्कुराकर यह जवाब देते, बच्चा मेरी उम्र तुम जान नहीं पाओगे। लेकिन उनकी जटाओं से उनकी उम्र का अंदाजा अगर लगाया जाए तो शायद 250 साल से 900 वर्ष के बीच रही होंगी। ये बात सुनकर कोई भी चौंक सकता है कि कोई भी इंसान इतने वर्षों तक आखिर जीवित कैसे रह सकता है। और जब ये प्रश्न उनसे उनके भक्त पूछते तो वो जवाब देते थे कि बेटा, यह सब अष्टांग योग व खेचरी मुद्रा का कमाल है। और इन सब बातों से भी एक अन्य बात है जो बहुत ही हैरान करने वाली है कि वो कभी भी भोजन नहीं किया करते थे। वे सदैव यमुना का पानी पीते थे और दूध, शहद व श्रीफल के रस का सेवन करते थे। तो यहाँ पर बहुत सारे सवाल उठते हैं कि क्या बाबा जी को भूख ही नहीं लगती थी। तो एक अध्ययन के अनुसार यदि कोई व्यक्ति शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त कर ले तो उसे भूख नहीं लगती है। इसके साथ ही साथ यदि कोई व्यक्ति ध्यान क्रिया, योग क्रिया, हठ योग क्रिया और संतुलित जीवन को अपनाए तो अधिक आयु तक जीवित रह सकता है। इन सबके लिए एक ही शर्त है कि इन तीनों चीजों का एक साथ होना आवश्यक है। देवराहा बाबा जी के बारे में एक बात और कही जाती है, बाबा जी कभी धरती पर नहीं लेटते थे, हमेशा एक लकड़ी के मचान के ऊपर रहा करते थे जो कि पृथ्वी से 12 फीट ऊंचाई पर हुआ करता था, और उसी पर बाबा जी योग साधना इत्यादि किया करते थे। वे सुबह को स्नान करने के लिए ही मचान से नीचे आते थे, और जब कभी उनसे कोई भक्त मिलने आता तो वो वहीं से अपने चरण को उस भक्त के सिर पर छुआ दिया करते थे, और जिस भी भक्त को उनके चरण का आशीर्वाद मिलता था उसका सौभाग्य का उदय हो जाता था। बाबा जी कभी कपड़ा नहीं पहनते थे, चाहे कितनी भी ठंड हो या कितनी भी गर्मी, हमेशा बाघ की छाल को लपेट कर रखते थे। ये सब बाबा जी के विषय में प्रत्यक्ष वर्णन है जो उनके भक्तों ने देखा था, और इसके अतिरिक्त उन्होंने हिमालय पर कितने वर्ष तपस्या की इसका किसी को भी अनुमान नहीं है। देवराहा बाबा जी की सिद्धियों के विषय में बात की जाए तो महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग में वे पारंगत थे, और हठ योग की 10 मुद्राओं में पारंगत थे, जिसके कारण वो कभी भी पल भर में कहीं भी आ जा सकते थे। उनके भक्तों के द्वारा कहा जाता है कि बाबा एक साथ दो अलग अलग जगह पर एक ही समय में उपस्थित हो सकते थे। इसके साथ ही साथ बाबा जी को अन्य भी सिद्धियां प्राप्त थी, जैसे कि पानी में बिना सांस लिए जीवित रहने की, दूसरी जंगली जानवरों की भाषा समझने की, और खतरनाक जंगली जानवरों को पल भर में वो काबू कर लिया करते थे। खेचरी मुद्रा में उनको महारत हासिल थी, जिसके कारण बाबा आवागमन करते थे। हालांकि बाबा को किसी ने कहीं भी आते जाते नहीं देखा, खेचरी मुद्रा से ही बाबा जी ने अपनी भूख व अपनी उम्र पर नियंत्रण किया हुआ था। बाबा जी के भक्तों के अनुसार बाबा जी को दिव्य दृष्टि प्रदान थी,
जिसके कारण बाबा बिना कुछ कहे सुने अपने भक्तों की समस्याओं को अपने ही मन में जान लिया करते थे और उनकी याददाश्त इतनी ज्यादा अच्छी थी कि दशकों बाद भी किसी व्यक्ति से वो मिलते तो उसके पूरे घर की जानकारी और इतिहास तक बता दिया करते थे। बाबा जी हठ योग की दसों मुद्राओं में पारंगत थे, साथ ही साथ ध्यान योग, नाद योग, लय योग, प्राणायाम, त्राटक, ध्यान, धारणा, समाधि आदि पद्धतियों का उनको भरपूर ज्ञान था, जिससे बड़े बड़े विद्वान उनके ज्ञान के सामने नतमस्तक हो जाया करते थे। बाबा जी के जन्म स्थान के बारे में बात करें तो अभी तक इसका किसी को पता नहीं चला है, लेकिन हिमालय से साधना करके आने के पश्चात बाबा जी जब भक्तों के बीच रहने आए तो उन्होंने अपना निवास स्थान पहले तो उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला चुना और अपने जीवन के अंत समय में मथुरा में यमुना नदी के किनारे रहने लगे। बाबा जी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के सलेमपुर तहसील के एक गांव में स्थित सरयू नदी के किनारे, जहां पर भगवान विष्णु ने अपने सातवें अवतार श्री राम को त्याग कर बैकुंठ के लिए प्रस्थान किया था, वहीं पर मचान पे निवास करते थे। देवराहा बाबा जी भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे और देवराहा बाबा जी के मुख से हमेशा ही राम नाम निकलता था। बाबा भक्तों को राम मंत्र की दीक्षा दिया करते थे और उनका कहना था, एक लकड़ी हृदय को मानो, दूसरा राम नाम पहचानो, राम नाम नित उर्पे मारो, ब्रह्मा दिखे संशय न जानो। राम मंत्र देने के साथ साथ बाबा जी मुक्ति के लिए कृष्ण मंत्र भी दिया करते थे, जो कुछ इस प्रकार था, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बाबा जी ने एक बार तीर्थ राज प्रयाग में महाकुंभ के अवसर पर 1889 में विश्व हिंदू परिषद के मंच से एक संदेश दिया था, जो पंक्तियां हमने एकत्रित की हैं। वे कुछ इस प्रकार हैं कि दिव्य भूमि भारत की समृद्धि गौ रक्षा व गौ सेवा के बिना संभव नहीं होगी, गौ हत्या का कलंक मिटाना अति आवश्यक। इन पंक्तियों से ये सिद्ध होता है कि बाबा जी गौ सेवा व गौ रक्षा के पुरजोर समर्थक थे। उन्होंने ही श्री राम मंदिर के लिए भविष्यवाणी भी की थी, जो कि अंत में सत्य साबित हुई। तो इतने दिव्य व चमत्कारी देवराहा बाबा के भक्त भी जरूर हुए होंगे। बाबा के भक्तों के बारे में ऐसा वर्णन मिलता है कि ब्रिटिश शासक जॉर्ज पंचम 1911 में जब भारत आया तो वो बाबा जी से मिलने देवरिया गया। इसके साथ ही साथ पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महामना मदन मोहन मालवीय, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व गृह मंत्री बूटा सिंह जैसी महान राजनीतिक हस्तियां भी उनकी भक्त थीं। इसके अतिरिक्त बाबा जी के सबसे निकट व प्रिय शिष्य थे, जिनका नाम था मार्कंडेय महाराज, जिन्होंने बाबा जी की लगभग 10 वर्ष सेवा की थी। बाबा जी ने कुछ विशेष हस्तियों के लिए भविष्यवाणी भी की थी, जिसमें से एक थी देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार, जब वो बचपन में अपने माता पिता जी के साथ बाबा जी के दर्शन करने गए तो बाबा जी ने उन्हें देखते ही बोल दिया था कि यह बच्चा तो राजा बनेगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति बने उसके बाद उन्होंने बाबा जी को एक पत्र लिखकर धन्यवाद कहा और 1954 में प्रयागराज के कुंभ मेले में बाबा जी का सार्वजनिक पूजन भी किया था। एक अन्य घटना, जब देश में आपातकाल के बाद चुनाव हुए थे और इंदिरा गांधी हार गई थी तो उनकी जमानत जब्त हो गई थी। उसके उपरांत इंदिरा गांधी देवराहा बाबा से आशीर्वाद लेने गईं और उनसे कहा कि हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह कृपा कर बताएं। तब बाबा जी ने अपना हाथ उठाकर इंदिरा गांधी को आशीर्वाद दिया और उसके बाद इंदिरा गांधी ने हाथ का पंजा पार्टी का चुनाव चिन्ह रखा और उसके बाद इंदिरा गांधी को देश में प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ था और वो प्रधानमंत्री बनी थी। बाबा जी का निर्जीव वस्तुओं पर भी पूरा नियंत्रण था और बाबा जी पेड़ पौधों से बातें किया करते थे। उनके आश्रम में बबूल के पेड़ लगे हुए थे लेकिन उनमें कांटे नहीं हुआ करते थे। और तो और, आश्रम में लगे बबूल के पेड़ खुशबू बिखेरते, ये सब केवल बाबा जी के चमत्कार के कारण ही था। राजीव गांधी भी बाबा जी के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार राजीव गांधी बाबा जी का आशीर्वाद लेने के लिए उनके आश्रम आना चाहते थे।
जिसकी उनके अधिकारियों ने विधिवत पूरी योजना तैयार कर रखी थी। राजीव गांधी के आने से पहले अधिकारी सुरक्षा का जायजा लेने बाबा जी के आश्रम आए तो आश्रम के पास एक ऐसा बबूल का पेड़ था जिसे सुरक्षा कारणों से काटना अति आवश्यक था। पर जब बाबा जी को इस बारे में पता चलता है तो उन्होंने अधिकारियों को बुलाकर कहा कि यह मेरा मित्र है और मैं इससे बातें करता हूँ, तुमने इस बेचारे का क्या दोष था जो इसे काटा जा रहा है, इस पेड़ को मत काटो, जाओ तुम्हारे प्रधानमंत्री का दौरा रद्द हो जाएगा। और ये कहने के कुछ देर बाद ही वहाँ अधिकारियों को सूचना प्राप्त हुई कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी का दौरा रद्द हो गया है। उसके बाद सारे के सारे अधिकारी बाबा जी को प्रणाम करके वापस चले गए। एक और ऐसी घटना है जिसका कि जिक्र किया जाना यहाँ पर जरूरी है। बाबा जी का प्रसाद देने का तरीका बहुत ही अजीब था। वह कोई भी भक्त बाबा जी से जब प्रसाद की मांग करता तो बाबा जी अपनी मचान पर से बैठे बैठे मचान की खाली जगह पर हाथ रख देते तो कुछ देर के बाद बाबा जी की मुट्ठी में मिठाई, फल, मेवे या कुछ अन्य वस्तु अपने आप ही आ जाया करते थे और इसी चीज को बाबा भक्तों में प्रसाद के रूप में बांट दिया करते थे। इतनी दिव्य आत्मा ने महासमाधि कब ली, इसके विषय में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। भक्त बताते हैं कि योगिनी एकादशी यानी कि 19 जून सन 1990 मंगलवार के दिन अचानक प्रकृति ने अपना स्वरूप बदलना शुरू कर दिया था। पशु पक्षी सभी व्याकुल होकर तरह तरह की आवाजें निकालने लगे। आसमान में काले बादल कुछ इस प्रकार छा गए कि दिन में ही जैसे रात हो गई और जोरदार बारिश होने लगी, क्योंकि ये वही समय था जबकि एक महान योगी तपस्वी इस मृत्यु लोक से विदा होकर परमात्मा में विलीन होने जा रहा था। इसी दिन योगीराज परमहंस देवराहा बाबा जी ने समाधि ले ली। बाबा जी ने भले ही अपने शरीर त्याग कर दिया हो परंतु यह ध्यान रहे कि ऐसे महान तपस्वी अमर होते हैं और अपने भक्तों को छोड़कर कहीं भी नहीं जाते। उनकी दया दृष्टि और उनके चमत्कार आज भी इस जगह पर मौजूद। आज भी उत्तर प्रदेश के जिला देवरिया में मईल में ब्रह्मर्षि योगीराज देवराहा बाबा मंच आश्रम के नाम से ये आश्रम अभी भी मौजूद है। तो यदि आपको भी कभी सौभाग्य प्राप्त हो तो बाबा जी के आश्रम जाकर आशीर्वाद अवश्य लीजिएगा। आज का वीडियो और बाबा जी के विषय में जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर से सब्सक्राइब कर लेना इसी तरीके के वीडियोस के लिए। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।